हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपी डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही अच्छी एक स्वीट रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप कोई भी त्योहार हो, अगर आपका मीठा खाने का मन करे तो यह रेसिपी एक बार आप जरूर ट्राई करें। आज हम बनाने वाले हैं मीठे समोसे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, इसे हम एक बार बनाएं और एक महीने तक खाएं। ये बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आते हैं, इन्हें हम स्टोर करके भी काफी दिन तक चला सकते हैं। तो चलिए हम मीठे समोसे के लिए सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है ये मैदा है, एक बाउल लिया है, और ये हमने मावा लिया है, ये होममेड मावा है। ये मैंने एक कटोरी लिया है, इसे काफी अच्छा भून लिया था, एकदम डार्क कलर होते तक भूना है, ये होममेड बना हुआ है। और मैंने यहाँ पे चीनी का बूरा लिया है, ये भी होममेड है। तो ये भी मैंने दोनों की मात्रा बराबर क्वांटिटी में ली है। और ये नारियल का बुरादा है, ये छोटी कटोरी लिया है। और यहाँ पे घी लिया है, देसी घी जो हम मोयन में डालेंगे, ये एक मैंने छोटी कटोरी लिया है। और आधी चम्मच इलायची का पाउडर लिया है। और हमने फ्राई करने के लिए पैन में घी को निकाल दिया है। और यहाँ पे आप चाहे तो देसी घी भी ले सकते हैं या वनस्पति घी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में फ्राई करेंगे समोसे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो मैंने यहाँ पे घी लिया है। और अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बाउल में मैदे को डाल लेंगे। और यहाँ पे हमने जो घी लिया है इसे हम डाल लेंगे। चाहे तो आप इसे गर्म करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी इसे डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। और हमने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब हम इसका सख्त आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे। तो ये देखिए, हमने सख्त आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, और हम तब तक आगे की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है, पैन को गर्म रख दिया है। और अब हम डाल देंगे हमारा मावा। मावा जो है हमने फ्रिज में रख दिया था, तो ये थोड़ा टाइट हो गया है। हम इस तरीके से तोड़ते हुए डाल देंगे इसे। इसे हम बहुत ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि होममेड मावा है। और इसे जस्ट हम गरम कर लेंगे। मावा जो है हमारा गरम हो चुका है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और यहाँ पे हम डालेंगे कुटी हुई इलायची का पाउडर जो है, इसे हमने डाल दिया है। और अब हम गैस को बंद कर देंगे, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है इसे। और यहाँ पे हमने जो नारियल का बुरादा लिया है इसे भी डाल देंगे, और ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम डालेंगे चीनी का बूरा। थोड़ा ठंडा हो गया है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है, हल्का सा गर्म है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे चीनी का बूरा। चीनी का बूरा हम डाल देंगे। इसे हम बहुत ज्यादा स्वीट बनाने वाले हैं। हमने पूरा एक कटोरी इसमें बूरा डाल दिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिला दिया है। और अब हम इसे रख देंगे, तब तक आगे की प्रिपरेशन कर लेंगे। स्टफिंग हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हमारा आटा जो है 10 से 15 मिनट हो गए हैं। और अब हम इस आटे को चिकना लेंगे। आटा हमने चिकना लिया है, और अब हम इनकी लोइयां तैयार कर लेंगे। साइज आप अपने से बना सकते हैं, छोटी साइज, बड़ी साइज, हम छोटी साइज के बनाने जा रहे हैं। तो पूड़ी से थोड़ी बड़ी जो है लोइयां, इस तरीके की तैयार कर लेंगे। सारी लोइयां हम इसी तरीके से बना लेंगे। सारी लोइयां तैयार कर ली है। इतने आटे में 10 लोइयां बनके तैयार हुई है। और अब हम इन्हें बेल लेते हैं। लंबी सी बेल लेंगे हम इसे। हमने इस तरीके की लंबी सी पूड़ी टाइप से बना ली है, और इसे हम बीच से काट लेंगे। और इसी तरीके से हम सारी रोटियां एक से दो कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हम सारी बना बना के रख लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इतनी लोइया को बेल ली है। अब हमने घी को गर्म रख दिया है और इनकी स्टफिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे कटोरी में पानी लिया है, देख सकते हैं, और इस तरीके से हमें फिंगर डुबाना है पानी के अंदर, और यहाँ पे इस लाइन पे लगाना है। फिर हम इसे मोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए,
और इसे हम दबा देंगे, जैसे ही पलटाएंगे इसे हम दबाएंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। फिर हम हाथ को ऐसे करेंगे और ये जो हमारी स्टफिंग है इसे हम एक चमचे की सहायता से ले लेंगे और इसे हम ऐसे भर देंगे। स्टफिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा भरा हुआ होगा तो काफ़ी स्वीट रहेगा। हम इसे भर देंगे और दबा देंगे। ये देखिए, हम वापस पानी का हाथ लेंगे, सारी किनारियों पे पानी हम लगा देंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक चुन्नट, तो इस तरीके से दबा देंगे, ये देखिए। और अब हम इन दोनों परत को चिपका देंगे, ये देखिए, ये हमने चिपका दिया है काफी अच्छे से। और अब हम इसे इस तरीके से रख देंगे। आप ध्यान रखें कि स्टफिंग जो है एकदम ठंडी रहे तभी आप डालें। और इसी प्रोसेस में हम बाकी के समोसे भी तैयार कर लेंगे, ये देखिए सेम प्रोसेस। इसी तरीके से हम सारे समोसे तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने समोसे बना लिए हैं, हमारा घी भी गर्म हो गया है। चलिए देखते हैं, घी हमारा गर्म हुआ है, हल्का गर्म है, हल्के गर्म में हमें डालना है। बहुत ज्यादा गर्म रहेंगे जो घी है तो उसमें बहुत ही अच्छे से ये हमारे जो समोसे हैं ये अच्छे फ्राई नहीं होंगे। तो आप ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा घी को गर्म ना करें। हमने हल्का गर्म किया है और फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। हम यहाँ पे इसमें 6 समोसे डालेंगे, ये देखिए, और इन्हें हम चला देंगे। और इन्हें हम पकने देंगे लो फ्लेम पे। ये देखिए, हमारे जो समोसे हैं एकदम रेडी हो चुके हैं और इसमें से एक समोसा है जो फट चुका है, इससे बाहर निकल गई इसकी स्टफिंग। अब हम यहाँ पे जो कलर है काफी अच्छा आ चुका है, समोसों को निकाल लेंगे। तरीके से हम और भी समोसे फ्राई कर लेंगे जितने हमारे बचे हुए हैं। ये देखिए, हमने सारे समोसे फ्राई कर लिए हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सारे समोसे हमारे निकल के ठंडे करने का इंतजार करेंगे। तो फाइनली हमारे समोसे बनकर रेडी हो चुके हैं। हम इन्हें स्टोर करके 1 महीने तक रख सकते हैं और जब भी हमारी हल्की फुल्की हमें भूख लगे तब हम इन्हें खा सकते हैं। आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।